कोटड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन के लिए पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर एकत्रीकरण हुआ, जहां से प्रारंभ होकर संचलन कोटड़ा मुख्य अस्पताल चौराहा प्रजापत मोहल्ला मुख्य बाजार गांधी मैदान होते हुए पुनः वनवासी कल्याण परिषद द्वारा संचालित डॉक्टर विजय आपटे माध्यमिक विद्या मंदिर पहुंचा, जहां धर्म सभा में परिवर्तित हुआ, जहां दीप जलाकर शस्त्र पूजन किया गया। यहां मुख्य वक्ता के रूप में विभाग प्रचारक आनंद प्रताप सिंह ने देश में समरसता के भाव को जगाने के साथ ही भाईचारा बढ़ाकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर कार्य करने का आग्रह किया। यहां संपूर्ण कोटड़ा क्षेत्र से स्वयंसेवक यहां एकत्रित हुए। यहां संचलन में जिला संचालक ओटाराम लखारा, धर्म जागरण सह प्रमुख सुरेंद्र सिंह, जिला सह कारवा शेर सिंह राणावत, खंड कारवा जीवनलाल, सहखंड कारवा तुलसीराम प्रजापत, देवाराम सेन, खुमान सिंह ग्रासिया, मानक प्रजापत, नारायण लाल वडेरा, राजेंद्र लखारा, दलपत सिंह सहित मामेर, मांडवा, जूडा बिकरनी व बडली गौपिपला क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में स्वयंसेवक एकत्रित हुए व पथ संचलन में भाग लिया। जगह जगह स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा भी की गई। बड़ी संख्या में पथ संचलन निकलने से कोटड़ा में आकर्षण का केंद्र बना पथ संचलन। कोरोना काल के चलते लगातार 2 वर्षों से कोटड़ा में पथ संचलन का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन इस बार आयोजन होने पर बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने लिया भाग।